तो आज के डिस्कवरी एपिसोड में हमको पता चला ये जानवर अपने बिल से बाहर भी निकलता है। आ जा मेरे लाल, बैठ जा, क्या बात है बेटा, हमको सिखाना। क्या? यही बेटा कि एक जगह पे 12-12 घंटे फालतू कैसे बैठा जाता है, मेरे को सिखाना बेटा। क्या मैं काम करने वाला आदमी और मैं तो तेरी तरह फालतू हूँ नहीं, तो मेरे को सिखाना। अभी क्या लॉकडाउन हो चुका है तो मेरे ख्याल से पूरे घर को तेरे से फालतू बनने की ना कोचिंग लेनी चाहिए। मैंने किसी को तो कहा था कि डॉक्टर बन जा, लेकिन वो क्या बना? यूट्यूबर। अरे यार फिर से चालू हो गया इनका। बाहर जाके पूछा तेरा ये यूट्यूब कुछ काम आया लोगों के? हाँ पप्पा यार, डॉक्टर बनता तो कम से कम काम आता, इस वायरस को मारने में मदद करता। अभी कैसे मारेगा? सब्सक्राइबर फेंक के मारेगा? हाँ सिल्वर प्ले बटन लेके वायरस का मर्डर करने जाएगा? कम से कम डॉक्टर बनता तो वतन के काम आता, अभी बस बर्तन के काम आ रहा है, वो भी खाने में धोने में नहीं। अच्छा आप तो ऐसे बात करो जैसे आपके पास 7-7 डिग्री है डॉक्टर की। हाँ तो क्या हो गया अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ? मेरे पास कुछ नुस्खे है इस वायरस को भगाने के लिए। उधर पूरी दुनिया इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है और आपके पास नुस्खे? कहाँ से आए आपको ये नुस्खे? व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया मेरे को। यार इनका व्हाट्सएप बंद करवाओ कोई। छछुंदर का मूत, घोड़े की टट्टी और कुत्ते का शुक्राणु मिला के अगर इंसान सूंघ ले तो उसको ये वायरस कभी नहीं पकड़ता। अरे ओ पप्पा, ये सब सूंघने से इंसान ऐसे ही मर जाएगा, वायरस की जरूरत क्या? ओह नो पप्पा प्लीज, व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस को विश्वास मत किया करो, ये सब फेक होता है, मसाला बनाने के लिए कुछ भी भेजते रहते हैं लोग, आप पागल हो गया यार। अच्छा कम से कम ये तो मानता है कि अगर तू बाहर निकल के सत्संग पे एकजुट होके इकट्ठा होके अगर सबके साथ प्रार्थना करेगा तो ये वायरस भाग जाएगा। अरे ओ पप्पा, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम सुना है? ये बाहर जाके इकट्ठा होने से बीमारी और फैलेगी। हमको क्राउड नहीं करना है, घर पे ही रहना है, और अगर आपको प्रे ही करना है तो घर पे रहकर प्रे करो ना, ये खास बाहर जाके क्यों प्रे करना है? और पापा वो वायरस है, विक्रम भट्ट की पिक्चर का भूत नहीं है, सब इकट्ठा होकर प्रे करेंगे भग जाएगा। अरे बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम तुलसी चाट चाट के वायरस को भगाते थे। ये तुलसी कौन है? हरामखोर, पत्ते की बात कर रहा हूँ, तुलसी के पत्ते की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम बांसुरी बजाते थे। अब ये बांसुरी कौन है? फैन के टके, बांसुरी फ्लूट की बात कर रहा हूँ, डंडे की। अरे बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे। हाँ पापा पता है, जब आप हमारी उम्र के थे तब आप बैटमैन की नाजायज औलाद थे, आप तो मार्स पे होते थे, मम्मी अर्थ पे होती थी और आप वॉकी टॉकी से प्यार का इजहार करते थे। जब आप हमारी उम्र के थे तब आप डायनासोर की पीठ पे बैठ के दादी के लिए टमाटर घोड़ी घोड़ी खेल के लेने जाते थे। जब आप हमारी उम्र के थे तब आप वर्ल्ड वॉर 2 में पैराशूट पहन के प्लेन से जंप मार के स्कूल में जाते थे, है ना पापा? मैं कसम से कह रहा हूँ ये वायरस दवाई से मरे ना मरे, आपकी ये फेकम फाक की कहानियों से जरूर मर सकता है, ट्राई करो जाके आप। बेटा इधर तो है ना, मेरे को हाथ में खुजली हो रही है, एक चमाट तो खींच के दू। ओह नो